देख लो भाई, उत्तर प्रदेश का पहला फोक वसुंधरा गाजियाबाद से हूँ। देख सकते हैं आप, ये मेरी सोसाइटी है और पहला फोक हमारी सोसाइटी से दिखता हुआ। शिमला का नज़ारा ले लो, कुल्लू मनाली का, सब वसुंधरा गाजियाबाद में। ये दूसरी सोसाइटी, ये भी दूसरी सोसाइटी है बराबर में, ये हमारी सोसाइटी है। सामने शादी का फार्म हाउस, बहुत सही नज़ारा, देखते रहो। ये मंदिर है दूसरी सोसाइटी का, फॉग देखो तुम बस, कुछ दिख ही नहीं है, मतलब कहीं जाने का मन ही नहीं है। फ्री में घूम लो शिमला, मनाली शिमला जहाँ भी जाना। अब आपको दिखाता हूँ अपने सोसाइटी का ग्राउंड, फार्म हाउस वहाँ पे है रोड के पार, जो कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं। ये मेरी सोसाइटी है, ये मेरा नीचे ग्राउंड जहाँ मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, ये मेरी सोसाइटी के पेड़, देख लो क्या हालत है। वो भाई साहब जा रहे हैं नौकरी करने, मजबूरी कहाँ कहाँ से ले जाती है, कहाँ कहाँ ले जाती है। इसका मन करता है ऐसे ही टाइम पे नौकरी करना, समोसे खाओ, ब्रेड पकौड़े खाओ, यही मन होता है ऐसे मौसम में। पर क्या करें भाई, कमाना है, समोसे भी कमाई से ही आएंगे जो तुम कमाओगे। तो यहाँ किसी के यहाँ पूजा हो रही है, ये देख लो आप कितना बढ़िया नज़ारा है। ये सोसाइटी का टैंक है, नीचे नाली देख रहे होंगे आप, ये यहाँ से फ्लो होता है पानी, कभी कभी पानी छोड़ देते हैं, ओवरफ्लो हो जाता था। ये झूले, ये काफ़ी पुराने पेड़ हैं, 2003 से हमारी सोसाइटी बनी हुई है, तो ये वही पेड़ है, काफ़ी मजबूती से सोसाइटी बनाई गई है और पेड़ भी उसी टाइम से लगे हुए हैं। उस साइड में आदर्श पार्क है, वो पल्ली पार्क, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। पूरा नज़ारा देखो आप, ओका अलग ही लेवल है, कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे, सब अपने घर में पड़े हुए हैं, कुछ सो रहे होंगे, कुछ नज़ारा देख रहे होंगे, अलग ही लेवल भाई, मज़ा आ गया। ये आप वीडियो में देख रहे होंगे कैसे कैसे फोक है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि पिछले साल तो भाई तरस गया था मैं, पिछले साल तो सोच रहा था साला फोक पड़ेगा ही नहीं, पॉल्यूशन साला इतना है। और अब की बार भाई जो आज जो नज़ारा दिखाया ना, दिल को खुशी मिल गई। अब देखो कब तक छटता है फोग, आज दिख गया, अब कल दिखे ना दिखे, भगवान की माया भैया, भोलेनाथ जाने। पर जब जब फोग दिखे, जब जब ऐसा नज़ारा दिखे, मज़े लेते रहो। इसमें मैं कबूतरों को पानी देता हूँ, ये मेरे पौधे हैं, धनिया उगाया था, ये वो है, ये मिर्च का था भाई, ये सूख गया है अभी, मतलब झड़ गए पत्ते इसके। ये आम का पेड़ है, ये हमारी टंकी है, ये दूसरी किसी और की टंकी है। ये देख लो, ये टमाटर के हैं, एलोवेरा भाई, स्किन पे लगाने के लिए, स्किन क्वालिटी बढ़िया करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एलोवेरा। ये मिर्च का पौधा है, ठीक है, ये गिलोय की थी, ये इसका सीज़न आएगा ना गर्मियों जब आएगी, है ढीली हो चुकी है अभी। और ये है अमरूद का पेड़, ये उगा रखा है मैंने, इसकी भी टहनी मोटी हो जा रही है, तो टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ये है आम का पेड़, इसके पत्ते सूंघ लोगे ना भाई, अलग ही खुशबू आती है, असली वाली। ये है तुलसी माता हमारी, ये ला रखी है ये तुलसी माता। इस पौधे का नाम क्या है भाई, मैं भी नहीं जानता, कमेंट करके बताना किसी को पता हो तो। ये मेरी टंकी के पास उगा था, तब मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब ये थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया, ये भी टेढ़ा हो रहा था तो ये फिक्स कर दिए लकड़ियाँ। ये है कड़ी पत्ते का, इडली सांभर में डालने के लिए कड़ी पत्ता, सारी फैसिलिटी है हमारी हमारी छत पे। ये दूसरी साइड के लोगों की टंकी है, चार मंजिल की है, तो चार टंकी,
यहाँ लोग कपड़े सुखाते हैं। ये है गुलाब के पत्तों का, अब देखो कब आते हैं इस पे गुलाब। संतरे का दिखाता हूँ, मिनी संतरा, ये दिखावटी संतरे हैं, बड़े नहीं होते। और ये फॉग, ये तो देख ही रहे हो आप, इसको मत भूलना भाई, ये नज़ारा जो है फॉग का अलग ही लेवल का नज़ारा। ये तुलसी माता हमारी, ये दूसरे साइड के लोगों ने जो यहाँ रहते हैं नीचे की साइड में, उन्होंने लगा रखे हैं। एलोवेरा हो गया, ये भी दिखावटी पेड़ है, ये भी गुलाब का है, ये भी गुलाब का, ये देखो ये अलग ही लेवल के। ये गिलोय के पेड़ है, ये सीढ़ी है, और ये दूसरी साइड के लोग हैं, उनकी टंकी, उनके पौधे, और ये सोसाइटी देख सकते हैं आप, दूसरी साइड की सोसाइटी है, ये भी दूसरी सोसाइटी की है। अब आगे से दिखा देता हूँ आपको, ये उनका मंदिर, ये देखो ये दूसरी सोसाइटी, ये बाउंड्री है हमारी, नीचे पार्किंग है, गेट वो देख लें, वो दूसरी सोसाइटी है जो बीच में दिख रही है। भैया फॉग तो बहुत है, कैडा फॉग है, यहाँ लोग बैठ जाते हैं, उनकी ये फोल्डिंग वोल्डिंग सब रखा हुआ है, एसी लगे हुए हैं बढ़िया। सबसे ज़्यादा गिलहरी मरती है इसलिए दुख होता है, गिलहरी काट के चल जाती है ना अंदर, कट के मर जाती है, ये दुख होता है। ये दूसरी साइड की लोगों की टंकी है, ये डेड प्लांट, ये देखो ये बंदर मुँह धो के चले गए थे इसमें, बस नहा धो के साबुन से धो के गए। और ये कबूतर है, ये मुझे देखते ही आ जाते हैं, इनको बाजरा देता हूँ मैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इनको बाजरा दूंगा कैसे दौड़ते दौड़ते आएंगे मेरे पास, ये मुझे देख के आ गए। ये रहा मेरा बाजरा, दिखाते हैं, ये ब्लिंकिट का है, अपने डाइट वाइट का सामान इससे मंगा दो, ब्लिंकिट ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत सही ऐप है। ये रहा हमारा बाजरा, भाई जाग गए, लो भाई बाजरा खा लो, बाजरा बाजरा खा लो। थोड़ी देर में आ जाएंगे बाजरा खाने, ठंड तो सबको लगती है, अब ये यहाँ रख देते हैं बाजरा, ठंड तो भाई सबको लगती है, क्या करें। अब दूसरी साइड का दिखाता हूँ, कोहरा भाई कोहरा, मज़ा आ गया कसम से, तुम्हारी कसम भोलेनाथ ऐसी कृपा करते ना, ये कोहरा आता रहा बस, एकदम बहुत बढ़िया कोहरा। देखो इनका मंदिर बहुत अच्छा मंदिर है, हमारी सोसाइटी वाले बंद नहीं देते हैं मंदिर, भगवान का मंदिर तो होना चाहिए। अब इनकी सोसाइटी में चले जाना, लोग कहते हैं तुम्हारे सोसाइटी में मंदिर नहीं इसलिए आते हो, तो ऐसे ऐसे लोग हैं, एक तो मंदिर नहीं ऊपर से तो लोग पूजा करने नहीं देते बाहर का, ये रोड है बाहर की, और उस साइड जो है वो है फार्म हाउस, वहाँ पर आवाज़ भी आ रही होंगी आपको। ट्रैफिक दिखाता हूँ, जहाँ से देखना ट्रैफिक दिखेगा, दिखता होगा कुछ, दिख रहा होगा पूरा बहुत है ना, इसे दिख नहीं रहा। ये नज़ारा भाई बहुत बढ़िया। चलो भाई वीडियो एंड करते हैं, शेयर कर देना, हमारे उत्तर प्रदेश वसुंधरा गाजियाबाद का पहला कोहरा। चलो जी बाय बाय, बहुत सही कोहरा, बहुत सही, अलग अलग ही नज़ारा है कोहरे का, यहाँ से फ़ोटो ली जाए थंबनेल के लिए, कौन सी ये सही रहेगी या यहाँ से सही रहेगी या यहाँ से,
यहाँ से सही रहेगी।